अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम ये अचार कह सकते हैं या पिकल है, स्वीट होते हैं ये बनाना पेपर। सो ये हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और इसमें कुछ दूसरे पेपर्स भी लिए हैं थोड़े से, क्योंकि वो तेज़ होते हैं मिर्चे, तो अच्छा एक टेस्ट लाने के लिए। सो चले हम बनाते हैं। सो ये देखें, पेपर्स थोड़े से लंबे हैं और ये हार्ड देख के लिए, सॉफ्ट वाले नहीं, ताकि इसमें से सारे सीड्स आराम से निकल सके, और क्रंची बहुत होते हैं बनने के बाद भी, तो अच्छा लग रहा होता है। असल में ये पूरे 8 पेपर्स हैं। सो ये अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि सीड निकलने में आसानी हो जाएगी, और ऊपर से फिर इसका हेड काट कर और सारे सीडलेस कर देंगे। फिर हम इसे एक ही साइज में काट लेंगे। और ये कुछ पेपर्स जो है इसे भी चॉप कर लेते हैं, और गार्लिक इसलिए कि उसकी अलग टेस्ट हो जाती है, अच्छा लग रहा होता है। अब देखें सब कट गए हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बड़े से जार हमने लिया है और इसमें सबको डाल देते हैं, और इसको इतना टाइट कर देंगे क्योंकि जब ये वेनेगर से डूब जाएगा इसमें, तो फिर ये खुद ही और अंदर चला जाएगा। तो अब हमने इसमें एक पॉट लेकर, और दो इसमें 2 कप व्हाइट वेनेगर है और 1 कप वाटर है, इसमें ऐड करते हैं और इस चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसको पकाते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून इसमें ली है मेथी, और 1 टीस्पून जो है साबित काली मिर्चें, और आधा टेबलस्पून जो है शुगर है, और 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट है। थोड़ा पकने के बाद और अच्छे से उबाल आ जाने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया, और इसे थोड़ा सा हिला के हल्का सा ठंडा करते हैं। अब इसे जार में डाल देते हैं और अच्छे से दबा देंगे, और हल्का सा ठंडा होने के बाद बंद कर देंगे। सो 3-4 घंटे तक हम बाहर रखेंगे, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा बेशक चाहे बाहर रहने दें, क्योंकि हमारे यहाँ के वेदर कोल्ड है, आप फिर उसे फ्रिज में रख सकते हैं, और ये 1 हफ्ता आराम से हम लोगों के खाने की एडिशन देता रहेगा। सो देखिए, होममेड पिकल तैयार है।